दोस्तों देख रहे हैं, और नेवला जो है सांप पर अटैक कर, ओ माय गॉड, आप लोग देख रहे हैं। इस बार काफी गुस्सा में है और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज जो है फिर हम लोग एक रेस्क्यू ऑपरेशन में आ चुके हैं, और इस गांव में जो है एक कुआं है, उसी में क्या बोल रहे थे, नेवला भी और सांप। नेवला सांप दोनों गिर गया था। कब से गिरा हुआ है? 3 दिन हो गया। 3 दिन से बताया जा रहा कि एक नेवला और सांप में लड़ाई चल रहा था, और लड़ाई चलते चलते वो दोनों कुआं में गिर चुका है। आपका क्या नाम हुआ सबसे पहले? मेरा नाम है तारकेश्वर माथो। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? बेल्डी चंदन क्यारी। बेल्डी चंदन क्यारी, और शायद प्रखंड चंदन क्यारी पड़ता है ना, जो कि बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं कुआं का अंदर, काफी सब जो है गाँव वासी यहाँ पर आ चुके हैं, काफी भीड़ भी है। चलिए वीडियो में बने रहे, देखते हैं कैसा सिचुएशन में। तो दोस्तों देख रहे हैं यही कुआं में जो है वहाँ पर बोरा साइड में लड़ाई चल रहा था, और लड़ाई करते करते वो लोग अपना दोस्तों ध्यान में मगन था, और दोनों ध्यान नहीं दिया, दोनों जो है इसमें गिर चुका है। कहीं पर बिल है, उसी में घुसा हुआ है सांप, और नेवला भी नीचे है। तो चलिए अब वीडियो में बने रहे आप लोग, आइए इसके अंदर उतरते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बिल है, और इसी बिल में सांप जो है घुसा हुआ, देखिए किस प्रकार ये आवाज़ निकाल रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं। 3 दिन से बताया जा रहा है ये नेवला बेचारा इसमें गिरा हुआ है, और ये सांप भी दोस्तों देख रही है जो है काट रहा है स्टिक पर, काफ़ी गुस्से में है, और देखिए काफ़ी आवाज़ निकाल रहा है बहुत। देखिए कुएं में दोस्तों ये लोग खाना वाना नहीं मिलता है, जिसके कारण काफ़ी गुस्से में रहता है। बताया जा रहा 3 दिन से इसमें गिरा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों कुआं के अंदर इसको ना चूहा मिल रहा है और ना ही मेढक है। कुआं जो है पूरा सूख चुका है, इस बार बारिश भी ऐसा नहीं हुआ। तो देख रहे हैं अभी जो ये पूरा अपना होड निकाल लिया है, चाहेंगे इसको बाहर निकालने। ओह माय गॉड, दोस्तों देख रहे हैं, और नेवला जो है सांप पर अटैक कर, ओह माय गॉड, आप लोग देख रहे हैं काफी एग्रेसिव में है, और किस प्रकार दोस्तों ये जो है बाइट किया। लेकिन नेवला के अंदर जो है शरीर में एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों, सांप का जहर जल्दी असर नहीं करता है, वहाँ पर अभी जाके बैठा है। तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं नेवला को हम लोग पैक कर लेते हैं, उसके बाद सांप को पैक करेंगे। चलिए, तो अभी इसको हम लोग बाहर लेके चलते हैं, बाहर में जो है काफ़ी लोग इंतजार कर रहा है, निकाल के उन लोगों को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसको दूर जंगल में ले जाकर हम लोग रिलीज कर देंगे पुनर्वास से, तो जहाँ फिर से ये लोग अपना ज़िंदगी को आगे का जी पाएंगे। नेवला भी जो है काफ़ी सूख गया है, वो भी जो है 3 दिन से कुछ खाया नहीं है बेचारा, उसका शरीर देख के आप लोग समझ सकते हैं। तो उसको देख रहे, उधर से सांप भी जो है उसको अटैक कर रहा है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और देखिए ये खुद जो है डरा हुआ है, डब्बे के अंदर घुस चुका है, देखिए थोड़ा दिखाइएगा, बेचारा काफ़ी डरा हुआ है। तो चलिए बहुत आसानी से ये जो है डब्बे में आ गया, इसको हम लोग लेके चलेंगे बाहर। अब जो है हम लोग सांप को पैक कर लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा नाग महाराज किस प्रकार बैठा हुआ है काफ़ी गुस्से में। तो कोबरा को भी हम लोग फाइनली पैक कर लिए हैं, इस डब्बा में जो है कोबरा सांप है, और इसमें जो है नेवला। तो चलिए दोनों को बाहर लेके चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को, वीडियो में बने रहे दोस्तों। इसमें जो है सांप और इसमें ये नेवला, लिए उठाइए आराम से धीरे धीरे। कुआं का बाहर आ चुके हैं हम लोग, दोनों को रेस्क्यू करके सुरक्षित। ये देख रहे हैं इसमें जो है कोबरा सांप, जो कि बहुत ही जहरीला सांप है, और इसमें जो है एक नेवला है, ये भी बेचारा 3 दिन से गिरा हुआ था, इसको भी हम लोग अभी रिलीज कर देंगे जाके कोई बड़ा फॉरेस्ट में, जहाँ फिर से ये लोग अपना ज़िंदगी को जी पाएंगे। तो आइए गाँव वासी जो है पूरा यहाँ पर आ चुके हैं, देख ही रहे हैं, सबको थोड़ा सा दिखा के और जानकारी दे देते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं, वीडियो में बने रहें। चलिए दिखाइएगा, अभी जो है काफ़ी गुस्से में है,
तीन दिन से गिरा हुआ है जिसके कारण काफ़ी गुस्से में है, देख रहे हैं। थोड़ा तो सामने से दिखाइएगा, ये देखिए। कोबरा सांप जो है भारत में हर जगह ही पाया जाता है। इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक जहर है। डायरेक्ट जो है न्यूरोटॉक्सिक नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। तो कभी भी ऐसा सांप जो दोस्तों अगर काट ले गांववासी, तो आप लोग सीधे जो है हॉस्पिटल जाइएगा। कोई भी झाड़ फूँक, कोई तंत्र मंत्र ओझागुनी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। तो देखिए, जब बिना जहरीला सांप काट देता है तो लोग जो है झाड़ फूँक का चक्कर में जाते हैं, लेकिन वो बचा देते, कहा कि वो जहरीला सांप नहीं था। लेकिन अगर ये सांप काट ले तो कोई ओझा नहीं सकेगा। एकमात्र इसका उपचार है एंटीवेनम सीरम, जो कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसीलिए हम लोग सजेशन करते हैं कि गरीब आदमी जो है कहाँ से पैसा दे पाएगा उसी हालत में। ऐसे जो है प्राइवेट में भी एंटीवेनम मिलता है, लेकिन वहाँ पर जो है प्राइवेट रखा जाता है इमरजेंसी के लिए। तो ये जो है अभी और लगभग 3 फीट बढ़ेगा, अभी जो है छोटा साइज है। और देख रहे हैं अभी जो है सावन का लास्ट सोमवार है ना आज, और आज ही दोस्तों इसको हम लोग रेस्क्यू किए। देख रहे हैं काफ़ी थका हुआ भी है। कुएं में जो है ये अगर पानी वाला सांप रहता वो जो है पूरा ज़िंदगी बिता लेगा कुआं में, लेकिन ये सांप जो है जहरीला सांप है, इसको ना चूहा मिलेगा ना मेढक मिलेगा। ये जो है लगभग और 2 हफ्ता रहता है, उसके बाद मर जाता है। तो चलिए अब नेवला को भी हम लोग निकालते हैं। वो जो है थोड़ा सुस्त पड़ गया है। इंग्लिश में इसको जो है स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है। ऐसे हिंदी में ना गेहूं खरीस और भी नाम है, बंगला में वेस्ट बंगाल तरफ इसको गोखुरा, तो यूपी बिहार तरफ इसको फिटार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे जो है एक सांप का 29 नाम होता है, क्योंकि 29 स्टेट है, हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है एक सांप को। तो देखिए कोबरा, थोड़ा पीछे दिखाइएगा इसका। तो इधर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक निशान है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न होता है, क्योंकि जब क्या है कोबरा सांप को कोई भी बड़ा जानवर खतरा पहुंचाता है तो ये क्या करता है, अपना हुड को उठा के खड़ा हो जाता है। तो उस जानवर को लगता है इसका बड़ा बड़ा आँख है। थोड़ा शांत रहिएगा। तो उस जानवर को लगता है कि बड़ा बड़ा आँख है, जिसके कारण दोस्तों ये खतरा होने से आगे की ओर मुँह पर खतरा होने से बच जाता है हमला होने से। इसीलिए इसका जो है बहुत सारा रीज़न होता है। ऐसे जो है कोबरा सांप 20 से 25 साल तक जिंदा रहता है एक सांप। और ये इसका पसंदीदा भोजन होता है चूहा। जब चूहा नहीं मिलता है मेढक वगैरह खाते हैं ये। नेवला को अब हम लोग निकालते हैं। दोस्तों इस बार काफ़ी गुस्सा में है, और आप लोग कुआं के अंदर देखें किस प्रकार ये हमला किया। देखिए ये फिर जो है उस पर अटैक करने का प्रयास कर रहा है। तो नेवरा और सांप का ये लोग का जो है शुरू से ही दुश्मनी आता चला आ रहा है। ये जो है सोचता है कि मेरे बच्चों को खा लेगा, निगल लेगा, इसीलिए ये लोग का जो है पुराना एक दुश्मनी होता है। देखिए अभी छोड़ते ही तुरंत उस पर जो है फिर हमला करेगा। बार बार जो है ये उधर ही जाना चाह रहा है। ये देखिए देखिए दोस्तों, अगर छोड़ दें तुरंत जो है इसको हमला करके, और ये जो है भाग जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए, ओह माय गॉड, देख रहे हैं। तो ये भी जो है पैक हो चुका है, अभी इसको ले जाएंगे जंगल में, रिलीज कर देंगे। आप लोगों ने देखा, गांववासी को दिखा के पैक कर लिए हैं, अब इसको ले जाएंगे दूर जंगल में, हम लोग रिलीज़ कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, थोड़ा शांत रहिएगा शांत, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल बटन को भी दबा ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी बेजुबान जीवों को बचाते हुए आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक कोबरा और एक नेवला को हम लोग कुएं के अंदर से रेस्क्यू किए, उसी को दोस्तों अभी आ चुके हैं इधर घना जंगल में रिलीज़ करने के लिए। देख रहे हैं काफ़ी घना जंगल है, और दोस्तों अभी जो है बारिश भी हो रहा है, और बारिश में भींगते भींगते हम लोग आए, क्योंकि दोस्तों ये बेजुबान है और काफ़ी दिनों से कुआं में गिरा हुआ था। फिर भी हम लोग भींगते भींगते देख रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं सांप को और नेवला को। ये लोग जो है एक तो दोस्तों भूखाई ले काफ़ी दिनों से। ये जो नेवला है इसको दोस्तों हम लोग वहाँ पर खाना दिए थे, ये जो है खाया, अभी चलिए इसको रिलीज़ कर देते हैं।
देखिए ये काफ़ी ज़ोर से हो सकता है। पहले हम लोग कोबरा को निकालते हैं। ये देखिए, तो आइए नेवला को भी हम लोग रिलीज़ करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, देखिए देखिए किस प्रकार वो जंगल की ओर चला गया। तो काफ़ी पतला दुबला हो गया था, काफ़ी दिनों से गिरा हुआ था। चलिए अब हम लोग कोबरा को भी रिलीज़ कर देते हैं इधर जंगल की ओर। थोड़ा सामने से दिखाइएगा। और देखिए दोस्तों ये किस प्रकार जंगल की ओर चला गया। वो जो है ठीक अपना कोई ना कोई बिल ढूंढ लेगा। और देखिए फिर हम लोग भींगे आज रिलीज़ करते हुए। तो जब भी सांपों को रेस्क्यू करते हैं दोस्तों, तुरंत कोशिश करते हैं इसको रिलीज़ कर दें, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी। हम लोग जो है अपना ध्यान नहीं देते, लेकिन बेजुबानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम लोग का प्यार है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं संत बिजो से झारखंड बोकारो जिले से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।